जहां हेमंत सरकार के मंत्री अपने 2 साल के काम की खूबियां बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे विफल सरकार बताते हुए प्रदर्शन कर रही है। जिले भर में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार को विफल बताया। रांची में राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना चला। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस कार्यकाल को बीजेपी विफल मानती है। उसका कहना है कि यह सरकार जनता के साथ के वादे को भूल गई। बीजेपी ने जिलों के अलावा राजधानी रांची में भी धरना का आयोजन किया। राजभवन के नजदीक आयोजित धरना में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार में प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी यह मानते हैं। उनके विधायक सदन में भी बोल पड़ते हैं किस प्रकार से लूट मची हुई है। आज इस प्रदेश के अंदर में चारों तरफ लूट ही लूट है और कहीं नहीं तो जमीनों की भी लूट। इस धरने के दौरान हवन कार्य का आयोजन किया गया। सभी के संबोधन के बाद अंत में बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने हवन किया। सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए हवन हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, चाहे रूपा तिर्की का सवाल हो, चाहे जेपीएससी का सवाल हो, चाहे पुलिस सहायक पुलिस के सवाल हो, चाहे अन्य जब भी संविधान कर्मियों के सवाल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है। हर अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 वर्षों से संघर्ष कर रही है, आगे भी हम संघर्ष को तेज करेंगे। हवन इसलिए क्या है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, हे ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे। इस कार्यक्रम का आयोजन रांची महानगर की ओर से किया गया। इसमें सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह ने भी अपनी बातों को रखा। न्यूज 11 भारत के कैमरा पर्सन कुणाल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।